दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज हम आए हैं चंद्रकोट, चंद्रगुप्त भी बोला जाता है। चंद्रकोट खूबसूरत नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं। ओ कितने ऊपर लोग, देखो हमारे साथ हैं हमारे दोस्त संत मगन दास। राम राम, जय श्री राम। सपना, आप कहाँ से आए? जमशाबाद से। जमशाद कोट गुलामा में, मीरपुर खास जिले में। जी हाँ, मीरपुर जिले। कब निकले थे आप? हम निकले थे जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन जी। कितने दिनों के बाद पहुँचे हो? तीन, तकरीबन दो दिन हो गए। दो दिन हो गए जी। ठीक। राम राम बाबू, क्या नाम है आपका? बारका। कहाँ से आए आप? जमशाद कोट गुलामा, मीरपुर खास जिले में से। दोस्तों ये आए हैं कोट गुलामा से, मीरपुर खास जिले में से। ये आप देख सकते हैं बारिश भी हुई है यहाँ पे। शिव भगवान भोलेनाथ का ये चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त भी बोला जाता है। यहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं पूरे पाकिस्तान, सिंध भर से, बलूचिस्तान से। ये बलूचिस्तान में मौजूद है। लोग देख सकते हैं आप पर चढ़ रहे हैं, कोई इधर से चढ़ रहे हैं, सीढ़ी लगी हुई है, कोई इधर से चढ़ रहे हैं। हर हर भोलेनाथ। लाखों की तादाद में लोग हर साल यहाँ पे आते हैं। आप देख सकते हैं नज़ारा, पर सुकून माहौल है यहाँ पे। हर बिरादर के, हिंदू बिरादर के हिंदू भाई यहाँ पे आते हैं हर साल। और दोस्तों ये सीढ़ी बनी हुई है तकरीबन 400 फीट ऊपर चढ़ाई है इसकी। चार सौ फुट ऊंची चढ़ाई है। माता की जय बोल रहे हैं, और माता की जय बोलने से लोगों की जो थकावट है वो दूर हो जाती है। जय माता की। जय माता जी। जय राम राम। जय राम। कहाँ से आए हैं आप? अमरकोट से। दोस्तों ये भाई अमरकोट से आया है, पूरे पाकिस्तान के हिंदू बिरादरी के लोग हर साल यहाँ पे लाखों की तादाद में आते हैं। तो दोस्तों अब तो हम थक गए। देखे कितनी चढ़ाई है ऊपर। ये दादी माँ है। जय माता की दादी। जय माता की। जय माता की। जय 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 जय। दादी भी थक गई है अभी, दादी माँ। राम राम। राम राम। राम राम। जय माता की। जय माता की। ये डॉक्टर अमरो बिठोत्रो डांगर बुरगड़ी के रहवासी हैं। थक गए हैं, बहुत चढ़ाई ऊपर है, तकरीबन 400 फीट ऊपर है। गाइस माता जी का नाम लेते हैं, जो बुलाते हैं तो इससे लोगों को एनर्जी मिलती है, यानी कि बढ़ जाता है। माता की कृपा से देखो छोटे बड़े सारे चढ़ रहे हैं, कुछ लोग वहाँ से चढ़ रहे हैं, कुछ यहाँ से। देखो माता जी की शक्ति मिलती है जो बोलने से। देखो बिल्कुल छोटे छोटे लोग नजर आ रहे हैं, तकरीबन 400 फीट ऊपर ये चढ़ाई है, जो छोटे बड़े सारे ऊपर माता जी की शक्ति से ऊपर चढ़ रहे हैं। बिल्कुल ही आप देख सकते हैं। ये भाई भी देखो। जय माता।
बस माता जी का नाम पुकारते जाते हैं, जय बोलते जाते हैं, माता जी शक्ति देती है। ये दादी माँ भी देखो तकरीबन 80-90 साल की उम्र में, देखो माता जी जय जयकार से बिल्कुल शक्ति है। दादी माँ थक गई है अभी, बहुत ही कठिन रास्ता है, आप देख सकते हैं बारिश हुई है, कीचड़ कितनी है, बहुत पैर हैं स्लिप हो रहे हैं दादी माँ के। अब दादी माँ थक गई है, वो अभी पानी पिएगी। दोस्तों बहुत ही कठिन रास्ता है, आप देख सकते हैं इधर बारिश हुई है, जो लोग स्लिप हो रहे हैं देख सकते हैं, बहुत ही कठिन रास्ता है। तकरीबन 100-100 साल के बूढ़े बेचारे वो भी चल रहे हैं माता जी के नाम लेके, और जय जय भोलेनाथ की, भोलेनाथ का नाम लेके चल रहे हैं। भोलेनाथ ने, माता जी ने शक्ति दी है इनको, जो आमना दादी माँ को हाथ दो, अभी स्लिप हो रहे हैं दादी माँ के पाँव भी। मैं कुछ हेल्प कराता हूँ दादी माँ की, कोशिश करता हूँ मैं भी। चलो चलो दादी माँ, कुछ भी नहीं है, पाँव स्लिप हो रहे हैं क्योंकि बारिश हुई है, इस वजह से बहुत ही रश भी बहुत है। तो देख सकते हैं पाँव बिल्कुल स्लिप हो रहे हैं, इतना बहुत ही कठिन रास्ता है यहाँ पे। दोस्तों ये देख सकते हैं यहाँ पे पूजा वगैरह करते हैं, और नारियल वगैरह इसमें डालते हैं, जो हिंदू बिरादरी के लोग जो भी यहाँ पे आते हैं वो नारियल वगैरह वो अंदर डालते हैं। देख सकते हैं बिल्कुल कठिन रास्ता है यहाँ पे, लोग स्लिप होते हैं यहाँ पे। राम राम, जय भोलेनाथ की। ये हमारे दोस्त हैं तीरथ दारशी राम शादीपली से, मावजी भाई हैं, राजेश भाई हैं जो कोट गुलावंत के रहवासी हैं, तीरथ राम और मावजी भाई इस कोट गुलावंत के रहवासी, और दारशी राम आए हैं शादीपली से, जिला मीरपुर खास से। हमारा हिंदू कम्युनिटी के जो भी लोग वो आते हैं, नारियल लेके आते हैं यहाँ पे चढ़ाते हैं, इसमें यानी के धूप वगैरह देते हैं, वो इसको तोड़ के पानी नारियल से जो निकलता है वो इसमें डालते हैं, और बारिश की वजह से ये बहुत ही कठिन रास्ता हो गया। ये देख सकते हैं दादी का मतलब कैसे पानी चल रहा है, शिव जी की महिमा है। ये आप देख सकते हैं जो पानी है वहाँ से देखो रबड़ी की तरह नीचे जा रहा है, देखो बिल्कुल नीचे जाता है। ये इसके अरबी समुद्र यहाँ पे समुद्र में नजदीक है यहाँ का। दोस्तों ये नज़ारा आपको चंद्रकोप का दिखाया था, अब हम जाएंगे पार्वती माता का जो है वो भी नज़ारा आपको दिखाएंगे। जय हो बम बम भोलेनाथ की। हिंदू कम्युनिटी से लोग, पाकिस्तान भर से लोग यहाँ पे आए हैं आज, और हर साल पे लाखों की तादाद में यहाँ पे आते हैं। जय श्री शंकर भगवान भोलेनाथ। देखो हर एक लोग में माता जी का नाम और शिव भोलेनाथ का नाम है, जय जयकार बोलते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, माता जी और शिव भोलेनाथ शक्ति देते हैं कि उनको कोई भी कष्ट महसूस नहीं होता है। देख सकते हैं आप हर एक जो शिव भोलेनाथ और माता जी का नाम है, हर पल माता जी को याद करते जाते हैं और शिव भोलेनाथ को याद करते जाते हैं। उनको माता जी और शिव भोलेनाथ इतनी शक्ति देते हैं कि वो थकते नहीं है। तकरीबन ये 450 फीट ऊंचा चंद्रकोप है, वहाँ पे चढ़ते हैं। तकरीबन 100 साल के जो लोग उम्र के हैं वो भी चढ़ जाते हैं, और 70-80 साल के जो भी हैं
मेल फीमेल जो भी हो, बाबा भोलेनाथ जी को याद करते जाते हैं। जय हो भोलेनाथ की। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा और आप दोस्तों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाएं। हम अपनी फुल कोशिश करके आपको नजारा दिखाते हैं। माता की जय हो, हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं। अब जाएंगे हम माता पार्वती का जो है वहाँ जाएंगे। और बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हुई है, इतनी बारिश में कष्ट उठा के जो यात्री आए हैं, पाकिस्तान भर से यात्री आए हैं, बारिश में इतने कष्ट उठाए हैं, पर माता जी का नाम भूलते नहीं है। माता जी को याद करते हैं तो वो कष्ट सारे दूर हो जाते हैं। धन्यवाद। और यहाँ पे फूल वगैरह देते हैं जो बाड़ी वगैरह की, यहाँ पे जय माता की, जय माता की, जय माता की। यहाँ पे जो बाड़ी वगैरह वो भी मिलती है, फूल वगैरह, पानी वगैरह। अभी हम चंद्रकोप का दर्शन करके हम अब जाएंगे माता जी के दर्शन के लिए। माता जी का दर्शन करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हिंगलाज माता जी के दर्शन पे। आप दोस्त हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हम पूरी यात्रा जो हम सिंध में से जो हम आए हैं बलूचिस्तान में, पूरी यात्रा का आपको मैं वीडियो बना के दिखाऊंगा। और दोस्तों यात्री पूरे पाकिस्तान और सिंध भर से यहाँ पे आए हैं। कुछ नंगर पारकर, अमरकोट, जुड्डो, सामारो, कोट गुलाम अहमद, मेपुर खास, मातली, यानी कि पूरे सिंध भर से और पूरे आल पाकिस्तान से हज़ारों और लाखों की तादाद में हर साल यहाँ पे आते हैं। एंड आपसे विनती है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चंद्रकोप जो बलूचिस्तान में यहाँ पे आते हैं। और अब हम जाते हैं माता जी के दर्शन के लिए। जो पार्वती माता का जो आस्थान है वहाँ पे जाएंगे, वो आपको दिखाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे हिंगलाज माता जी के दर्शन के लिए, वो भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों हम वो गाड़ियाँ खड़ी है, यहाँ से पैदल आए थे, चंद्रकोप पे चढ़े थे। अब हम चढ़ेंगे माँ पार्वती के जो आस्थान है वहाँ पर जाएंगे। कितना दूर है, तकरीबन 2 घंटे से हम यहाँ पे चल रहे हैं, इतना सफ़र है। क्योंकि बारिश हुई थी पहले रास्ता था, बारिश से पहले जो रास्ता था वो गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी होती थी, अब गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी हैं, अब इसलिए हमें थोड़ा रास्ता कष्टन लग रहा है। पर माता जी का नाम हम नहीं भूलते, और शिव भोलेनाथ का जो नाम है हम पुकारते रहते हैं। तो माता जी और शिव भोलेनाथ इतनी शक्ति देते हैं कि हमारे सारे दर्द दुख सारे खत्म हो जाते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं माता जी के दर्शन के लिए, माता पार्वती का जो स्थान है। ये आप देख सकते हैं, जैसे माता जी का जैसे यहाँ पे जय जयकार करते हैं माता जी की, तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं माता जी का नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा। ये देखो माता जी का दर्शन कीजिए। देखो दोस्तों ये इतनी मिट्टी जो है सिमट की तरह इतनी मजबूत है। ये दर्शन करते हैं, ये देख सकते हैं माता जी का दर्शन कीजिए। पार्वती माता जी का जो ये स्थान है, ये कुआं भी, पार्वती का कुआं भी बोला जाता है। आता आती आती वो सामने से लोग फेरा देते, वहाँ से घूम के आते हैं। ये देखें अंदर पानी है, हम यहाँ से घूम के फिर वहाँ जाएंगे। हमारी गाड़ियाँ बहुत दूर खड़ी हैं क्योंकि बारिश की वजह से रास्ता ख़राब हो गया, इस वजह से। नहीं तो हमारी गाड़ियाँ जो हमारी बस जो पहले तो शिव भगवान जी का जो चंद्रकोप है वहाँ पे खड़ी होती थी, अभी इतनी दूर बारिश की वजह से हम आज अभी भी बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है। माता जी का दर्शन हो रहा है, यानी कि बारिश हो रही है, माता जी का दर्शन हो रहा है।
ये जैसे माता जी की जो जय जयकार करते हैं तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो माता जी का दर्शन कीजिए। ये जितनी ज्यादा जय बोलते हैं ऐसे ही वो चाय की तरह जैसे उबल के माता जी ऊपर आते, देख सकते हैं। अभी देखेंगे आपको, फिर नज़ारा दिखाएंगे हम। ये देखें माता जी का नज़ारा। दोस्तों हमने चंद्रकोप शिव भोलेनाथ और माँ शिव पार्वती का दर्शन कराए और अब हम जाएंगे हिंगलाज माता मंदिर पे। वो वीडियो आपको अलग बना के दिखाऊंगा।